जहां एक तरफ कोरोना काल को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं लोगों के नए नए ड्रामे भी रोज निजात होते रहते हैं। ऐसे में एक मैडम ने शहर की ताजी हवा खाने को लेकर काफी ड्रामा किया, साथ ही तहसीलदार पर भी भड़क गई। रेलवे स्टेशन के सामने प्रशासन और पुलिस टीम को रोको टोको अभियान के तहत सड़क पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार में सवार महिला एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार पूनम साहू ने रोका, जिसके बाद महिला आग बबूला हो गई और एसडीएम और तहसीलदार से बदतमीजी से बात करते हुए भड़क उठी और करीब 15 मिनट तक महिला का ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद एसडीएम ने महिला को थाने भेजकर चालान कटवाया। एक तरफ कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन को रोकने के लिए प्रशासन तमाम उपाय करने में जुटी है, लेकिन अभी भी लोग इसे हल्के में ही ले रहे हैं। सॉरी,